मेरे को सबसे पहले जाके फ्रिज भी लेना है। पता नहीं लग रहा कि नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। उस स्पेगेटी मेरे को याद है, सुबह कस्टमर आया था, उसने मेरे को बोला था कि उसको स्पेगेटी चाहिए। यार स्पेगेटी का डब्बा मैंने उसके लिए लेकर रखा हुआ है। और हमारे डॉग फूड, कैट फूड, इंपॉर्टेंट चीज ब्रो, ये भी जाएगा उनको गाड़ी के ऊपर। ओके गाइस, आई थिंक अभी इतना समय आज के लिए काफी होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से मेरे को जीरो दबा के इसका दरवाजा बंद करना, और इससे पहले कि सारे कस्टमर्स खाली जाएं, फटाफट से गाइस शॉप के अंदर जाकर सारा सामान लोड कर देते हैं। क्योंकि ये बैंक वालों का और जो हमारा बंदा जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे फिलहाल अज्जू भाई। जो अज्जू भाई शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं उसका मीटर डाउन है भाई, घर जाना चाहिए उसको। जब शॉप के अंदर कस्टमर आते निकल जाओ शेट। ओके काम कर रहा, सामने से भी रास्ता है मेरे को पता। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अज्जू भाई जब शॉप के अंदर काम नहीं है तो भाई घर जाओ यार, क्यों अपने मालिक को नुकसान करवा रहे हो यार तुम लोग। अरे फर्नीचर शॉप, एक काम करते हैं गाइस, बाद में आने से अच्छा है अभी फर्नीचर शॉप के अंदर चले जाते हैं और अपने एक बाथटब लेना है। पता नहीं कितने का होगा यार, पता नहीं कितने का होगा यार ये बाथटब। अबे उतर यार, बेकार ब्रेक किया गाड़ी की। और ये देखो, अरे फ्रिज कितने का है? $750। ओके फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर मैं फ्रिज लूंगा तो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी के बाहर पूरा सिस्टम चला जाएगा। ओके मेरे को फ्रिज नहीं लेना, मेरे पास टॉयलेट ऑलरेडी है और ये रहा अपना बाथटब। अबे डिस्काउंट सर जी, हेलो, अरे मैं बिजनेस वाला बंदा हूँ, बिजनेस वाले बंदे को तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं अभी फिलहाल भाव तोल नहीं करते क्योंकि मेरे को बाथटब लेना ही लेना है। तो $250 और जेब में से गए। यार तुम कितने भाई हो प्लीज, ये लोचा हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, गाड़ी घुमाते हैं। बारिश का मौसम तो आ चुका है और मेरे को लगता है कि बारिश के मौसम के अंदर हमारी शॉप सुपर बिजी होने वाली है, लेकिन बिजी तभी होगी ना, प्रॉफिट तभी होगा जब शॉप के अंदर स्टॉक होगा। मेरी शॉप एकदम से खाली पड़ी हुई है और मैं एकदम से रैंडमली गलियों के अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहुंच चुके हम एक बार एक कार शॉप। अरे वेट यो, मैं यहाँ से अपने लिए गाड़ी बाय कर सकता हूँ। ए हैंग ऑन अ सेकंड, पूरे पूरे ट्रक बिक रहे हैं यार यहाँ पर तो। ए मैं ट्रक लेके क्यों नहीं जा रहा, फरारी। ओ भाई मेरे को ये फरारी लेनी है किसी भी हालत में। प्रेस एफ टू ड्राइव, यू डोंट हैव, यू डोंट ओन दिस व्हीकल। तो मतलब कि ये गैरेज है। अरे अरे चलो, ये वाला थोड़ा बहुत घुल मिलने की कोशिश कर रहा है, अपना भूता छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिटरली इस बंदे ने चश्मा पहन के रखा हुआ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हाँ ये एकदम नया बंदा है, ये उनकी फैमिली में से नहीं है। ओके तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे को लेनी है स्पोर्ट्स कार। भाई साहब इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एंड वंस अगेन गाइस, वेलकम टू पटियाले की दुकान, लेट्स गो। ओके सामान मेरे पास कुछ ज्यादा ही आ चुका है यार, थोड़ा बहुत हमारा ड्राइविंग में हार्ड टाइट है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाड़ी को रोकने का ये तरीका एकदम मस्त है। यहाँ से सबसे पहले मेरे को डब्बा उठाना है, डब्बे को रखना है अंदर। हाँ मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बॉस बारिश के अंदर जाके सामान उतार रहा है और तू यहाँ पर काम करने की एक्टिंग कर रहा है, लेट्स गो। हाँ मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा। हाँ ये बारिश मेरे ऊपर असर ही नहीं करती। अभी यहाँ से मेरे को गाड़ी की डिग्गी खोलनी है और निकालो ये बड़े बड़े जैम के डब्बे जो कि मेरे को रातों रात मिलियनेयर बनाएंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा ग्रोसरी का सामान तो पूरा आ चुका है और अभी मेरे को एकदम से सॉर्ट वाइज रखना है और सारी चीजों में से ना मैं एक एक चीज निकाल लेता हूँ ताकि कस्टमर आए तो खाली ना जाए। तो डॉग फूड यहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगी यहाँ पर, द्रोने धोने का सामान जाएगा बिल्कुल यहाँ कोने के अंदर इस वाले शेल्फ के ऊपर, और उसके बाद डिटर्जेंट भी जाएगा यहाँ पर, एंड फाइनली मेरे को चाय रखनी है। अरे भाई साहब चाय की कुछ ज्यादा ही डिमांड चल रही है यहाँ पर। एंड फाइनली आखिर में मेरे को ये रखना है क्लीनिंग स्प्रे। और लीजिए गाइस, थोड़ी बहुत इज्जत मैंने रख ली अपनी दुकान की और यह दुकान के अंदर काम कुछ ज्यादा ही जोर शोर से चल रहा है। लेट्स गो, सब कुछ बिक रहा है ब्रो, सब कुछ। और अगर मैं एक बार फिर से इसकी डील चेक करूं तो लेट्स गो, $138 प्रॉफिट जेब में। और अभी जाके मेरे को नूपड़े बैंक से मिलना क्योंकि मेरा खाता एकदम से माइनस में चल रहा है। हेलो गाइस, ये बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, अगर इनको टाइम से पैसे नहीं मिले ना तो ये घर में आके डंडे मारेंगे, वो भी सर के ऊपर। गाइस फंडा यहाँ पर समझ चुका हूँ, मेरे को बार बार जाके वो जैबर से नहीं मिलना, ठीक है, मेरे को डिलीवरी यहीं पे करनी है, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। फ्लावर ये भी ले लेते हैं यहाँ से, हैंड क्रीम सब कुछ ले लो भैंस की, मेरे को पूरी शॉप अपनी भरनी है ब्रो, रात को मैं सोना ही नहीं है, पूरी शॉप भरनी है। कैचअप भी चाहिए भाई, लास्ट टाइम मेरे को याद है कि मैंने कैचअप मंगा के रखी थी, रातों रात बिक गई। ओके दूध नहीं मंगाना क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, हम मंगाएंगे ऑलिव्स। अरे ब्रो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं ऑलिव्स, सो लेट्स गेट ऑलिव्स एज वेल। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक और शेफ लगाई जाए यहाँ पर, और मेरे को पता है कि दुकान के पास ही एक दुकान है जहां से मैं शेल्फ खरीद सकता हूँ। और ये मेरे को अभी याद आया कि ये सारा मोहल्ला जो है 9 बजे बंद हो जाता है। व्हाट इज दिस ब्रो, तो मेरे को शेल्फ कल सुबह खरीदनी पड़ेगी। लेकिन गाइस मैं कल वाले दिन की बिल्कुल ही वेट नहीं करूंगा, मुझे अपनी दुकान कल के लिए एकदम से रेडी करनी है, पूरी दुकान भरी होनी चाहिए। और ये देख रहे हो आजकल का दुकानदार रात के अंधेरे में बारिश के अंदर काम कर रहा है, ओ माय गॉड। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, इसी में ही मेरे को प्रॉफिट नजर आ रहा है। बस दुकान का एकदम से कैश फ्लो, जो लोन वगैरह दिया सब चुक जाए ना,
फिर लाखों में खेलेंगे, फिर फरारी अपने घर के बाहर ही खड़ी होंगी। फाइनली हमारा अंडों का बॉक्स आ जाएगा नीचे से बिन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह भी बचे नहीं है ब्रोस। तो ये गाइस हमारे डोनट्स, अरे डब्बे और साथ में एग्स, और ये देखो गाइस हमारी शॉप एकदम से खिल चुकी है, हमारी कॉफी, हमारी शुगर, ना शुगर, हमारा फ्लावर, और हमारा ये क्या है, ये फ्राइंग ऑयल, केचप, जैम, डॉग फूड, ये हैंड स्प्रे, क्लीनिंग का सामान, ये क्या है, फैब्रिक क्लीनर, अरे देख रहे हो, डाइपर, सन क्रीम, ये चावल और स्पेगेटी थी, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बस मुझे आज देखते हैं कि मैं कितने पैसे यहाँ पर कमा सकता हूँ। हेलो अंकल जी, ला दे फिर एक बर्गर सवेरे सवेरे, पूरे पैसे मैंने खा लिए। भाई तेरी दुकान एकदम बेकार है यार, मेरे को तीन बारी पैसे खर्च करने पड़ रहे ताकि मेरी भूख मिटे। और अगर गाइस मैं अपने स्टैट्स चेक करूं लैपटॉप के ऊपर, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पर जूस की मशीन, जो कि $250 की है। और ऑफ कोर्स ये वाली चीजें जो है, जैसे जूस की मशीन होगी, कॉफी मशीन होगी, और ये सैंडविच स्टैंड, एक्सप्रेसो मशीन, ये सारे मेरे को एक्चुअली में जो है रियली में एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने वाले हैं। और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे गाइस हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते रहेंगे। और दुबलों ने बिजली काट दी, देखो कस्टमर जी आइए, मैंने यहाँ पर अपनी टॉर्च पकड़ के रखी हुई है, तो यार मैं आपको सब कुछ एक एक चीज करके दिखा दूंगा। ए व्हाट, मतलब कोई लाइट जा चुकी है फिर भी कस्टमर आ रहे हैं, देखी मैंने आज के बाद कभी बिजली का बिल देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस एकदम से मस्त चल रहा है यार। लेकिन ऑब्वियसली गाइस अगर बिजली होगी तो कस्टमर्स जो है आराम से चीजें देख सकते हैं। हेलो कस्टमर जी, अंडे लीजिए, फ्रेश अंडे हैं, नए नए आए हैं, फ्रेश अंडे से क्या लिया, हैंड वॉश, चलो कोई बात नहीं। अंडे पकाने के लिए सबसे पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा, अंडे मेरे को बिक जाएंगे, मेरे को लगता है कि सारी चीजें आज बिक जाएंगी। आज भाई हमारी सेल, हमारी इनकम तिगनी होने वाली है भाई, कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं। तुम लोग आ कहां से रहे हो, बाहर तो कोई है भी नहीं। नो ब्लीच, अरे जो ब्लीच नहीं है तो वॉशिंग पाउडर डाल ले टॉयलेट के अंदर। अरे यार मेरे अंडे सड़ गए, अभी तो मैं लेके आया था। व्हाट इज दिस ब्रो, मेरे अंडे सड़ चुके हैं यहाँ पर, मैं अभी दो सेकंड पहले अंडे लेके आया था। नुपड़े तेरे को अंडे बेचते थे, अब ये सारे बिन में जाएंगे, फैले की जगह यहाँ पर नुकसान हो रहा है यार। यहाँ पर पूरा दिन बीत गया गाइस अंधेरे के अंदर काम करते करते, और ये बारिश अभी तक बिल्कुल खत्म भी नहीं हुई है। और अभी मैंने एक और बात नोटिस किया, और वो ये है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने के लिए अपनी शॉप की रेटिंग लेके जानी पड़ेगी 50% तक। मैंने अभी यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो चीज थी ये भी खराब हो चुकी है यार। आई थिंक यहाँ पर मैंने दूध की बोतल लगा कर रखी थी, मैं भूल गया था कि दूध की बोतलें नहीं लेनी। और लीजिए गाइस हमारी शॉप एकदम से बंद हो चुकी है। मेरे को याद है कि वीडियो की शुरुआत में मेरे पास $25 थे, तो अगर मैं फिर से एफ दबा के कैश अप करूं तो टोटल 700। भाई आज का बिजनेस एकदम जबरदस्त था, पूरी शॉप मेरी अभी तक बची हुई है। तो काम करते हैं गाइस, शॉप को यहां से बंद करते हैं और सीधा चलते हैं घर, क्योंकि मेरे को नहाना भी है। मेरी डर्टीनेस एकदम से 98% तक पहुंच चुकी है भाई। मेरे को लगता है कि अगर मैंने अपने आप की सफाई नहीं की ना, तो ये लोग मेरे को गेम से बाहर ही निकाल देंगे। एंड वेलकम होम। क्या यार ये बहुत ही घटिया लेवल की ब्रेक है मेरी गाड़ी के अंदर। और एक बार फिर से गाइस मैं इतना गंदा हो चुका हूँ ना, मैं भाग भी नहीं पा रहा। अब भागम दौड़ी का और गंदगी का क्या लिंक है मेरे को नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को क्यू दबाना है और अपनी इन्वेंटरी से अपना बाथ टब निकालना है, और ये हम ऑब्वियसली रखेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। लेट्स गो, और ये जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कोने के अंदर जाना चाहिए। व्हाट, क्या बात कर रहे हो, उन लोगों ने घर की बिजली भी काट दी क्या, व्हाट द हेल, पूरी हॉरर गेम बन चुकी है यार ये तो। ओके बाथटब लगते हैं यहाँ पर और नहा लेते हैं पहले, अभी थोड़ी बहुत जान में जान है तो सोते हैं यहाँ पर यार। भाई गलत बात है, शॉप की बिजली भी काट दी और घर की बिजली भी काट दी, गलत बात है, एकदम से गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम तरक्की करेंगे, एकदम ऊपर लेवल तक पहुंचेंगे हम यहाँ पर शॉप वाले बिजनेस के अंदर। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मेरे को डेफिनेटली अपने लिए फ्रिज लेना है, और मैं कोशिश करूंगा कि बड़े वाला ट्रक भी लूं ताकि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टेक केयर एवरीवन एंड